Let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास टेंथ के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 4 नंबर में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, हमने त्रिभुज से उठाया है। त्रिभुज से हमेशा हमारे 8 नंबर या 8 से 10 नंबर के करीब में आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए और लास्ट तक देखिए कैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कैसे पूछेगा, उसके बाद कैसे इसको हल करेंगे। ये जो है हमारा त्रिभुज के समरूप नियम लगाकर इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, दो का छाया दिया है, एक दिया है स्तंभ का, यानी स्तंभ दिया है, पिलर का दिया है, और एक तुम्हारा मीनार है। दोनों का कह रहा है, एक का छाया का लंबाई दे दिया, एक का 4 मीटर दिया है और एक का 28 मीटर दिया है, और तुम्हारा जो स्तंभ है यानी पिलर है उसकी लंबाई दे दिया 6 मीटर, और कह रहा है कि मीनार का क्या करिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया जाता है, माना जाता है, मीनार की हाइट मान लेंगे, उसी प्रकार पिलर का मान लेंगे, और उसका दिया ही है 4 मीटर, और उसके बाद इसमें त्रिभुज के समरूप नियम लगाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, पिलर है। अरे, ये हमारा छोटा, सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा भूमि है, ठीक है, ये हमारा क्या है, समतल है, ठीक। अब समतल पे ये हमारा छोटा वाला क्या है, पिलर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसे लिख दीजिए स्तंभ, ठीक, और ये हमारा क्या है, मीनार है, ठीक। अब मीनार और स्तंभ की जो छाया है कहीं आके गिरेगी, तो यहाँ पर आके गिर रही है। तो ये जो मीनार की जो छाया है दिया है 28 मीटर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और ये स्तंभ है, इसकी जो छाया की लंबाई दिया है 4 मीटर दिया है, ठीक है, इतना तो ग्राफ बना लेंगे। और ये इसकी जो स्तंभ की हाइट दे दिया है 6 मीटर, शुरू में ये लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले स्तंभ की, तो 6 मीटर ये हो गया। सबसे पहले इसका नाम दे देंगे ए बी, इसका दे देंगे सी और डी, और ये जहां पर आके दोनों का परछाई मिल रहा है उसको हम मान लेंगे ई, ठीक है। क्वेश्चन जितना दिया था उतना हमने मान लिया, उतना इसको ग्राफ बना लिया। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा बाबू, ग्राफ बनेगा। सबसे पहले अब क्वेश्चन कैसे लिखेगा, ये तो ग्राफ हो गया, लिखना कैसे है, तो सबसे पहले कहेंगे कि माना मीनार ए बी तथा स्तंभ सी डी है। इतना लिख दिए कि माना मीनार ए बी तथा स्तंभ सी डी है, तथा इनकी छाया पॉइंट या बिंदु ई पर मिलती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, हम यहां पर जब देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज, तब यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी और ई और त्रिभुज सी डी ई एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तब यहां पर चित्र से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई क्या हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, यानी इन दोनों की आकृति क्या है, समान है, ठीक है, समरूप है। तब ऐसे लिखिएगा त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इतना आपको जब हो गया तो यहां पर देखेंगे, देखिए ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 है, और ये जो कोण है त्रिभुज इसके लिए, बड़े वाले त्रिभुज के दोनों के लिए क्या है, बराबर रहेगा,
तो अब यहाँ पर देखिए, कोण ई त्रिभुज ए बी ई के लिए और त्रिभुज सी डी ई के लिए दोनों क्या है, आपस में बराबर है। कोण ई और कोण ई किसके लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए आपस में बराबर होंगे। तब जो जब दोनों बराबर होंगे आपस में, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अतः ये दोनों समरूप हैं, तो यहाँ पर समरूप का नियम लगाएंगे। समरूप के नियम से क्या कहता है, समरूप का नियम ये कहता है कि त्रिभुज के समरूप का नियम ये कहता है कि अगर दोनों कोण, दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं, तो उनके मतलब कोणों के सामने वाली भुजा, संगत भुजाएं क्या अनुपात जो होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए, ये वाला कोण दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये है और इसके सामने वाला भुजा ये है, ठीक है। यानी इसके हाइट मान लेते हैं h, ठीक है, h हमको यही ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। तो ये दोनों की रेशियो यानी h बटा 6। अब इसके विपरीत में देखिए, ये देख, ये कोण वाला है तो कोण के सामने वाला भुजा, इसको तो सामने कोई मतलब नहीं है, इसके सामने वाला भुजा का आपस में रेशियो बराबर होगा। और ये बच क्या रहा है, ये नीचे वाला, तो ये वाला एंगल सामने वाले रेशियो और इस वाले भुजा के सामने वाले रेशियो, इनका भी रेशियो आपस में क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे तब, सब त्रिभुज के समरूप नियम से लिखेंगे, तब त्रिभुज के समरूप नियम से, त्रिभुज के समरूप नियम से अब लगा दीजिए। अब बताइए यहाँ पर सबसे पहले कोण ई के लिए देखिए, कोण ई के लिए देखिए, ए बी रेशियो सी डी यहाँ पर लिख दीजिए, ए बी रेशियो सी डी। देखिए ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये देखिए नीचे वाला यानी बी ई रेशियो डी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बी ई रेशियो डी ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत कोण, जिनका कोण आपस में बराबर होता है, तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, उनका अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। इतना हो गया। अब जो जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो ए बी क्या है, ए बी हमारा मीनार का हाइट है, हमने क्या माना है, एच माना है, तो यहाँ पर एच लिख दीजिए, ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई। अब देखिए सी डी, देखिए हमारा क्या है, सी डी, सी डी हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए 6 बराबर बी ई, बी ई हमारा क्या है, जो स्तंभ है उसकी छाया है, छाया कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, तो यहाँ पर 4 मीटर लिख दीजिए, 4 बटा में। अब हमारा लास्ट क्या बच रहा है, डी ई बी ई बी, देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम लोग का बी ई दिया है 28 मीटर और डी ई दिया है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 28 और नीचे हो जाएगा हमारा 4 मीटर, ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा एच यानी जो हमारा मीनार है, मीनार का क्या होगा, हाइट निकल जाएगा। तो अब 6 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो एच इजकल टू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 6 बटा में क्या हो जाएगा, 4, ठीक। अब इसको कटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और ये 7 छके 42, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा हाइट है मीनार की हाइट कितना है, 42 मीटर है। और यानी कि जो हमारा कहीं से भी मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बल्ब ले लीजिए या सन ले लीजिए, जब यहाँ से जब लाइट आ रहा है तो मीनार कितना बनेगा, इसका 28 मीटर का छाया बनेगा और जो स्तंभ है उसका छाया कितना मीटर का बनेगा, 4 मीटर का। कब, ये बीच में क्या, दोनों के बीच का दूरी आपको बताया, ये वाला दूरी आपको दे दिया था 28 मीटर का और ये 4 मीटर का, इसका दे दिया था 6 मीटर का। और इसका हमको ज्ञात करना था कि बताओ तब भाई इसका हाइट कितना है, कहीं से लाइट आ रहा है तो, ठीक। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आप अगर चित्र बना लेंगे जो एक दूसरे के समरूप हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ होता है यही नहीं सही से बनाते हैं, अलग अलग कभी कभी बना लेंगे, कभी कभी उनको क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस यही करना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो कैसे हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। अगर चित्र बना लेंगे तो अब चित्र बनाने के बाद आपको बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, मेन आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि हमारा जो है समरूप का, त्रिभुज के समरूप का नियम क्या है। अगर ये आप आराम से जो आपको पता है कि सामने और जो अगर जो जो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने का रेशियो निकालेंगे तो उसका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 90 एंगल है तो 90 एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ए
और ई होगा, और ये 90 एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, सी और ई होगा। तो इसका रेशियो, इसका रेशियो देखिए हमने इसे लिख दे रहे हैं, ए बी रेशियो सी ई, ये किसके बराबर होगा। अब ये देखिए कोण है दोनों के लिए बराबर है, यानी ए बी, तो ए बी रेशियो देखिए अब इसका एंगल क्या है, सी डी, सी डी के बराबर होगा। उसी प्रकार अब ये देखिए एक्चुअली ये हमारा ई है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए अब लास्ट वाला जो भुजा बच रहा है, देखिए ये लास्ट वाला भुजा क्या है, बी ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी ई बटा में, अब देखिए ये लास्ट वाला भुजा क्या है, डी ई, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तीन हमारा यही तीनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो हमको एच निकालना था, तो हमको इसमें से देखना है कि हम कौन सा रेशियो लेंगे, कोई दो को लेकर हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमको त्रिभुज का समरूप का नियम अगर लगा लेते हैं तो इजीली आप इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा तो आप कर लेंगे। ज्यादातर हमारा समरूप से ही पूछता है, ये जो हम नियम बता रहे हैं बहुविकल्पी में पिछले साल दो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे ही दे दिया था वैल्यू और पूछ रहा था कि रेशियो बताओ, यहाँ पर जिसे ये 4 मीटर है तो उसके जवाब पे क्यू दे दिया था, और ये जो 42 मीटर है इसके जवाब पे पी क्यू इसे मान रख के दिया था, पूछा था कि बताइए आपस में कौन सा रेशियो सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और बताओ कमेंट करके कि और किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपको जरूर बना के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और भी जो जो हमारे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आपको हल करा के देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।